2024 का ये पांचवा महीना चल रहा है और अगर आपने अभी तक अपना फ़ोन पे अकाउंट नहीं बनाया है इसलिए कि आपको कन्फ्यूज़न है कि यार हमारे पास बैंक अकाउंट तो है लेकिन एटीएम कार्ड नहीं है। देखो आपकी जानकारी के लिए बता दूं 2024 में फ़ोन पे के अंदर एक नया अकाउंट बनाने के लिए आपको एटीएम कार्ड की कोई भी ज़रूरत नहीं होती। आपको चाहिए होता है सिर्फ एक बैंक अकाउंट, चाहे आपके पास कोई सा भी बैंक अकाउंट हो फोन पे के अंदर आप एक अकाउंट बना सकते हैं और उसके अंदर अपने बैंक अकाउंट को लिंक कर सकते हैं। बैंक अकाउंट को लिंक करने के बाद अपना UPI पिन क्रिएट कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप फोन पे के अंदर एक नया अकाउंट बनाएंगे, उसके अंदर अपने बैंक अकाउंट को कैसे लिंक करेंगे और अपने बैंक अकाउंट को लिंक करने के बाद अपना UPI पिन कैसे क्रिएट करेंगे। और इस वीडियो में जो प्रोसेस मैं आपको बताऊँगा उसमें आपको फोन पे के अंदर अकाउंट बनाने के लिए आपके पास एक बैंक अकाउंट का होना जरूरी है। तो आपका जो आधार कार्ड है आपके आधार कार्ड में भी आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए एंड आपके बैंक अकाउंट में भी आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, तभी आप बिना एटीएम कार्ड के आप अपने आधार कार्ड की मदद से फोन पे चला पाएंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको बहुत बारीकी से बताने वाला हूँ किस तरीके से फोन पे के अंदर आपको अकाउंट बनाना और अपने बैंक अकाउंट को लिंक करना। अब देखो फोन पे के अंदर नया अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले आपको फोन पे ऐप को डाउनलोड करना है। इसका डाउनलोड लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में भी दे दिया है। जब आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर पाएंगे फोन पे का। जब आप इसको डाउनलोड कर लेते हो ओपन करोगे आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर लिखा रहता है एंटर योर मोबाइल नंबर। यहाँ पर आपको अपना वही मोबाइल नंबर लगाना है जो मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट में लिंक है। अपना मोबाइल नंबर लगाने के बाद अब आपको प्रोसीड का ऑप्शन मिलता है। जैसे आप प्रोसीड करोगे तो आपके मोबाइल नंबर पे एक वन टाइम OTP आएगा जो कि 5 डिजिट का OTP रहेगा। ये OTP ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगा और आपके सामने यहाँ से परमिशन मांगा जा रहा। अब यहाँ से आपको ऊपर से परमिशन देना है, फिर से कॉन्टैक्ट की परमिशन मांगी जा रही अलाउ कर देना है और एक दो परमिशन फिर से मांगी जाएंगी तो आप उनको भी अलाउ कर देना है। आप देख सकते हो कि आपका फ़ोन पे अकाउंट एक ही क्लिक में बन गया और फ़ोन पे के अंदर अकाउंट बनाने में कुछ भी झंझट नहीं होता है, बहुत इजी होता है जैसे कि आपने देख भी लिया। अब यहाँ पर थोड़ा सा हार्ड होता है इसके अंदर बैंक अकाउंट को लिंक करना और अपना UPI पिन क्रिएट करना। बैंक अकाउंट को लिंक करने के लिए ऊपर प्रोफाइल का ऑप्शन मिल रहा, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर बैंक अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर नीचे आपको ऑप्शन मिल रहा एड न्यू बैंक अकाउंट, इस पर आपको क्लिक करना है। जिस मोबाइल नंबर से आपने अपना फ़ोन पे अकाउंट बनाया है इस मोबाइल नंबर पे आपका कौन सा बैंक अकाउंट लिंक है अपना बैंक अकाउंट आप यहाँ पर चूज़ करिए। अगर आपको यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट नहीं दिखता यहाँ पर आप अपने बैंक अकाउंट का नाम भी सर्च कर सकते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट को एड करना है तो यहाँ पर हमें पंजाब नेशनल बैंक मिल रहा, इस पर क्लिक कर देते हैं। अकाउंट एड सक्सेसफुल, यानी आपका बैंक अकाउंट तो एड हो जाएगा। अभी आप क्या कर सकते हैं कि बैंक अकाउंट आपका एड हो गया फ़ोन पे के अंदर, अब बैंक अकाउंट ऐड होने से कुछ नहीं होगा। अभी आपको करना पड़ेगा अपना UPI पिन क्रिएट, क्योंकि बैंक अकाउंट अगर आप ऐड कर लिए हैं तो अभी आपके पास पैसा रिसीव हो सकता है लेकिन पैसा आप किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो अभी आपको अपना UPI पिन क्रिएट करने के लिए यहाँ पर आपको मिलेगा UPI पिन क्रिएट, जहाँ पर हमें रिसेट का मिल रहा। रिसेट का और UPI पिन क्रिएट का सेम ही प्रोसेस होता है। अब यहाँ पर UPI पिन क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिए जा रहे हैं, पहला आधार कार्ड और दूसरा डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर आपको करना है अपना आधार कार्ड वाला ऑप्शन चूज़। लेकिन आपके आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, यही मोबाइल नंबर जो आपके बैंक अकाउंट में लिंक है, ठीक है, तभी आप अपना UPI पिन क्रिएट कर पाएंगे। अब आगे का प्रोसेस मैं आपको सीधा मोबाइल की स्क्रीन पर ले जाके दिखाता हूँ, जहाँ पर आपको अलग से बैकग्राउंड दिखेगा और मोबाइल की स्क्रीन देखिएगी, क्योंकि आगे जो प्रोसेस है वो सिक्योरिटी है, उसमें स्क्रीन रिकॉर्डर काम नहीं करता है। अब जब आप यहाँ पर आधार कार्ड वाला ऑप्शन चूज कर लेते हो उसके बाद यहाँ पर आपको प्रोसीड का ऑप्शन मिलता है। प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो प्लीज वेट बोलेगा, थोड़ा सा यहाँ पे आपको वेट करना है। उसके बाद आपके सामने आ जाएगा वेरीफाई आधार नंबर।
और यहाँ पर नीचे लिख रहा है इंटर द फर्स्ट 6 डिजिट ऑफ आधार नंबर। यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड के शुरू के 6 नंबर लगाने हैं। देख सकते हो कि हम अपने आधार कार्ड के नंबर यहाँ पर लगा लिए हैं शुरू के 6 डिजिट। उसके बाद प्रोसीड का ऑप्शन मिलता है, प्रोसीड कर देते हैं। प्रोसीड जैसे आप करोगे तो आपके पास एक SMS की परमिशन मांगी जा रही, तो SMS की परमिशन को आपको अलाउ करना है। आधार कार्ड का OTP आपके मोबाइल नंबर पर आएगा, तो यहाँ पर आपको जरा सा वेट करना है। ये देख सकते हो कि आधार कार्ड का OTP आ चुका है और उसके बाद ही आपका बैंक का भी मैसेज आ चुका है। एक बैंक की तरफ से OTP आएगा, एक आधार कार्ड की तरफ से। कभी कभी केस में ऐसा होता है कि आधार कार्ड का जो OTP होता है वो ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाता है, तो यहाँ पर अगर फिलअप नहीं होता तो देख सकते हो कि आधार कार्ड का OTP ये रहा। आप यहाँ से इसको नोट करके यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। आधार कार्ड का OTP लगाने के बाद अब आपको यहां से राइट कर देंगे। उसके बाद लिख रहा इंटर 6 डिजिट बैंक OTP। बैंक का OTP जो है वो ऑटोमेटिकली यहां पर फिलअप हो जाएगा, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो। उसके बाद आपको यहां से कर देना है राइट। जैसे आप राइट करते हो तो आपके सामने आ जाएगा सेट 6 डिजिट UPI पिन। अब आप अपना UPI पिन क्या बनाना चाहते हैं, ये UPI पिन आपके लिए महत्वपूर्ण है। वैसे तो आप इसको एक बार क्रिएट करके कभी भी चेंज या रीसेट कर सकते हो, अदरवाइज आपको रीसेट ही क्यों करना। जब आपको एक बार बना लोगे तो आपको इसको ध्यान रखना, क्योंकि जब आप किसी को पैसा ट्रांसफ़र करोगे तो आपसे यही UPI पिन पूछा जाता है। अपना बैंक बैलेंस चेक करोगे तब भी आपसे यही UPI पिन पूछा जाता है। जो भी हमें UPI पिन बनाना है वो हम यहाँ पर बना लेते हैं। एक बार UPI पिन लगाने के बाद अब आपको यहाँ से राइट करना है। उसके बाद कन्फर्म 6 डिजिट UPI पिन, दोबारा से आप यही UPI पिन को कन्फर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद राइट का ऑप्शन मिल रहा, राइट कर देंगे। अब राइट हो जाने के बाद यहाँ पर देख सकते हो कि आपका UPI पिन सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर लिखा हुआ है UPI पिन सक्सेसफुल सेट। आपका UPI पिन भी सेट हो चुका है और आपका बैंक अकाउंट तो पहले ही है ऐड हो चुका था, लेकिन अभी आपका UPI पिन भी सेट हो चुका है। अब यहाँ से आपको डन करना है। यहाँ से डन करने के बाद बैंक हो जाना है। अब आपको यहाँ पर देख सकते हो कि 2 मोबाइल नंबर का ऑप्शन मिल रहा है, इस पे आप पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो या फिर किसी के QR कोड में भी पैसा डाल सकते हो। यानी अभी आपको करनी है फर्स्ट ट्रांजेक्शन आपकी कंप्लीट। आप जब फर्स्ट ट्रांजेक्शन करोगे तो आपका बैंक अकाउंट जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा और आप उसमें पैसा रिसीव भी कर सकते हैं, पैसा डेबिट भी क्रेडिट भी दोनों तरीके से कर सकते हैं, यानी पैसा डाल भी सकते हैं ले भी सकते हैं। तो यहाँ पर आप कोई भी अपने फ्रेंड का, यार दोस्त का, किसी का भी नंबर ले लीजिए जिस पर फ़ोन पे अकाउंट पहले से बन रहा हो, तो यहाँ पर आप उस पर 1 रुपया या जितना भी आप डालना चाहें मोबाइल नंबर पे। तो यहाँ पर जैसे हमने 1 रुपया लगाया और यहाँ पर राइट किया, तो यहाँ पर देख सकते हो इंटर 6 डिजिट UPI पिन, यानी हमसे UPI पिन पूछा जा रहा। जो UPI पिन हमने अभी बनाया था, हम UPI पिन यहाँ पर लगा लेते हैं। UPI पिन लगाने के बाद राइट करेंगे तो आपका ये जो 1 रुपया है आपके बैंक अकाउंट में से कटेगा और जिसको आपने पैसा डाला है के बैंक अकाउंट में चला जाएगा। देख सकते हो कि 1 रुपये का पेमेंट हमारा सक्सेसफुल रहा और यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा 1 रुपया यहाँ से कट के जा चुका है। आपको बैंक की तरफ से मैसेज भी मिल जाते हैं। और इसी तरीके से अगर आप अपना बैंक बैलेंस चेक करना चाहें, चेक बैंक बैलेंस का लिख रहा इस पर क्लिक करना, अपना बैंक अकाउंट यहाँ पे क्लिक करना, आपको यहाँ पर अपना UPI पिन लगाना और राइट कर देना, आपका बैंक बैलेंस यहाँ पर शो हो जाएगा। हिस्ट्री देखना चाहते हो तो हिस्ट्री में चला जाओ, यहाँ से आप अपना हिस्ट्री भी देख पाएंगे। और भी छोटी मोटी चीज़ें जैसे कि यहाँ पर मोबाइल रिचार्ज, DTH रिचार्ज, किसी का लोन पे, तो ये सब काम भी आप फ़ोनपे की मदद से कर सकते हैं। तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे किस तरीके से फ़ोनपे के अंदर एक नया अकाउंट बनाते हैं बिना ATM कार्ड के, अपने आधार कार्ड की मदद से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और इस वीडियो से सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करना। अगर आपने अभी तक फ़ोनपे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में हम दे दिए हैं, आप लिंक से ही डाउनलोड कर लेना। चलो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।